आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा झक्कास टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जो आपको इंटीग्रेट करने वाली प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन की एक विशिष्ट टाइप की प्रॉब्लम का विद इन 1 सेकेंड आंसर दे देगा, जिसको अब तक आप लोग इंटीग्रेट करते आ रहे होंगे। आपका बहुत ज़्यादा टाइम उसमें ड्रा हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा वक्त आपका लगता होगा, बट आज के बाद इस टाइप की इंडिकेस कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको आप विद इन 1 सेकेंड इंटीग्रेट कर लेंगे। देखो मेरे साथ टेक्निक की प्रैक्टिस कीजिएगा क्या करेंगे, बट उस प्रॉब्लम के फॉर्म के लिए आपको याद ये रखना है डिनोमिनेटर में वो प्रॉब्लम हमारी पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होनी चाहिए। किस कॉन्सेप्ट की हो? पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड हो। मींस इस टाइप की एक प्रॉब्लम देखो आपके सामने मैं रख रहा हूं, इसे आप अगर अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प लेंगे तब जाके इसका इंटीग्रेशन मिलेगा। 1, 2, 3, 4, 5 आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी को इसका इंटीग्रेशन बनाना आता है भाई। हिलवा पार्शियल फ्रैक्शन बहुत सारा आपका टाइम जाएगा, बट देखो आप चुटकी बजाते विद इन 1 सेकेंड कैसे इस प्रॉब्लम का आंसर दे देंगे। मेरे साथ आइए प्रैक्टिस कीजिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन का एक पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड इंटीग्रेशन का एक स्पेशल पार्ट है जिसमें डिनोमिनेटर में आने वाले फैक्टर में गर कंडीशन इन्वॉल्व है। डिनोमिनेटर में आने वाले फैक्टर में एक्स की पावर कितनी हो? 1, 1 एंड 1 ही हो, 1 से ज्यादा या अदर कुछ पावर हुई तब ये लॉजिक काम नहीं करेगा। बट पावर अगर एक्स की 1 आ जाए, इस टाइप के कोई फैक्टर बन के आ रहे हैं, तो देखो विद इन 1 सेकेंड आप कैसे सॉल्व कर लेंगे। देखो आपको करना क्या है, जो भी फैक्टर लिखे हैं डिनोमिनेटर में सारे फैक्टर इक्वल करके लॉग में लिख देने हैं। किसमें लिख देने? लॉग में। तो मैंने देखो क्या लिखा, लॉग एक्स प्लस 1। अगला क्या फैक्टर लिखा है? लॉग एक्स प्लस 2। नेक्स्ट क्या आ रहा है? लॉग एक्स प्लस 3। नेक्स्ट क्या आ गया? लॉग एक्स प्लस 4। एंड अदर क्या है? लॉग एक्स प्लस 5। लॉग एक्स प्लस 5 हो गया इंटीग्रेशन। इनके बीच में अभी आपको कोई साइन अप्लाई नहीं करना है, बट इनके पहले क्या लेफ्ट साइड में क्या लिखना है उसको देखें। मींस इसके पहले क्या आएगा प्रैक्टिस कीजिएगा, जो लॉग के बाद टर्म आ जाए फैक्टर उसे 0 के इक्वल पुट करें। मैंने क्या बोला, 0 के इक्वल आपने पुट किया, x प्लस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या मिल गया? माइनस 1। 0 के इक्वल इसे पुट करेंगे, x इक्वल क्या आएगा? माइनस 1। माइनस 1 लेकर के आप आ जाएं फिर से मेन प्रॉब्लम में, x प्लस 1 इसके पहले क्या लिखा जाए? ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है, इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट किया, x इक्वल माइनस 1 मिला। तुरंत सवाल पर आ जाएं, जो x प्लस 1 फैक्टर आए उसे आप इस तरह कवर कर लेंगे, बंद कर दिया। अदर जहां पर भी x दिखाई दे क्या पुट कर देना है? माइनस 1। माइनस 1 इधर पुट किया क्या रह जाएगा बोलो? 1 आ गया। माइनस 1 यहां पुट किया क्या आ गया? 2। माइनस 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 3। माइनस 1 प्लस 5 क्या आ जाएगा? 4। मल्टीपल कीजिएगा, 4 3 जा 12 2 जा 24। मींस इसके पहले पॉजिटिव वैल्यू आ रही 1/24 हो गया साहब। इसके पहले क्या लिखना है, कौन सा कांस्टेंट आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे? फिर वही लॉजिक, जो फैक्टर लॉग के बाद फैक्टर आ रहा है उसे 0 इक्वल इक्वेट कीजिएगा, व्हेन इक्वेट x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या मिला? माइनस 2। माइनस 2 लेकर के फिर मेन प्रॉब्लम पर आ जाएं, x प्लस 2 वाले फैक्टर को कवर कर लेंगे। अदर जहां पर भी x आ रहा हो सभी जगह 1 क्या पुट कर देंगे? माइनस 2 पुट कीजिएगा। देखो आपने माइनस 2 पुट किया, न्यूमरेटर में 1 आ रहा आने दीजिएगा, माइनस 2 पुट किया तो यहां पर क्या आ गया? माइनस 1। माइनस 2 यहां पर पुट करेंगे क्या आ जाएगा? 1। माइनस 2 प्लस 4 क्या रह गया आपके पास? 2। माइनस 2 प्लस 5 क्या रह गया? 3। क्या सोल्यूशन आया देख लो इसका, 3 2 जा 6। माइनस मींस माइनस का आ रहा है माइनस 1/6। क्लियर। इसके बाद देखें लॉग x प्लस 3, इसके पहले किस कांस्टेंट को रखना है? x प्लस 3 को आपने 0 के इक्वल राइट किया, x इक्वल क्या मिल गया? माइनस 3। आप मेन प्रॉब्लम में फिर से आ जाए, x प्लस 3 को इक्वेट किया था 0 के इक्वल, उसी इस तरह आप कवर कर लेंगे। अदर सभी प्लेस पर x इक्वल माइनस 3 पुट किया, यहां पर माइनस 3 पुट करेंगे, 1/ में क्या मिल गया बोलो? माइनस 2। माइनस 3 यहां पुट करेंगे क्या आ गया? माइनस 1। माइनस 3 इधर पुट करोगे क्या आ गया? 1। माइनस 3 यहां पुट करेंगे, माइनस 3 प्लस 5 मीन्स क्या रह गया आपके पास? 2। मल्टीपल कीजिएगा, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/4 यहां पुट कर देंगे।
दो प्लेस पर कांस्टेंट और भी आपको ऐड करना है, लॉग एक्स प्लस फोर के पहले क्या आएगा, एक्स प्लस फोर को जीरो के इक्वल इक्वेट कीजिएगा। आपने जैसे जीरो के इक्वेट किया, एक्स प्लस फोर इक्वल क्या जीरो, एक्स इक्वल क्या आ गया माइनस फोर, माइनस फोर लेकर के फिर मेन प्रॉब्लम में आ जाए, इसको इस तरह कवर्ड कर लिया, मीन्स वहां वैल्यू नहीं पुट करनी है, वैल्यू पुट की माइनस फोर तो क्या रह गया माइनस थ्री, माइनस फोर यहां पुट किया तो क्या आ गया माइनस टू, माइनस फोर यहां पुट किया तो क्या मिल गया माइनस वन, माइनस फोर इस फैक्टर में रखेंगे तो क्या आ जाएगा वन, सिंपल कीजिएगा कितना हुआ थ्री टू या सिक्स, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस मीन्स क्या आ गया माइनस वन अपॉन सिक्स, इसके पहले कांस्टेंट आ गया। एक टर्म आपके पास और बचा है लॉग एक्स प्लस फाइव, इसको जीरो के इक्वल इक्वेट किया आपने, एक्स प्लस फाइव इक्वल जीरो तो एक्स इक्वल क्या आ गया माइनस फाइव, माइनस फाइव लेकर के फिर मेन प्रॉब्लम में आ गए, इसको आप कवर कर लेंगे, इसमें वैल्यू नहीं पुट करेंगे, जैसे जीरो के इक्वल इक्वेट किया है अदर सभी में पुट करेंगे, पुट कीजिएगा क्या आ जाएगा वन अपॉन माइनस फाइव प्लस वन मीन्स माइनस फोर इंटू दिस माइनस फाइव प्लस टू इंटू माइनस थ्री, माइनस फाइव प्लस थ्री इंटू माइनस टू आ गया, माइनस फाइव प्लस फोर इंटू में माइनस वन आ गया, सिंपल कीजिएगा क्या हो जाएगा, देखो माइनस 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 प्लस आ गया, न्यूमेरिकली वैल्यू फोर थ्री या ट्वेल्व ट्वेंटी फोर प्लस ऑफ वन ट्वेंटी फोर। इंटीग्रेशन में आप जानते हैं लास्ट में क्या कॉन्स्टेंट सी अप्लाई कर देंगे, हो गया इंटीग्रेट। देखो है ना फर्स्ट टेक्निक आपके लिए, आप अपनी तरह से सॉल्व कीजिएगा, बाई हेल्प ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन आप सॉल्व करेंगे, आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, बट इस टेक्निक की प्रैक्टिस मेरे साथ फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे साथ इस प्रैक्टिस को फिर कीजिएगा, देखो क्या आएगा। अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से देखें, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट रेडी नहीं हुआ है इस प्रॉब्लम को फिर से अच्छे से देखेंगे। इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू इंटू ऑफ डी एक्स, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आपको इंटीग्रेट करना है, देखना क्या है प्रॉब्लम के लिए, डिनोमिनेटर में आने वाले फैक्टर में x की पावर वन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए वन होनी चाहिए, पावर इन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑलवेज इक्वल टू वन, जब इस टाइप का फॉर्म आपको मिल जाता है तो विद इन वन सेकेंड आप फिर से इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करने में सफल हो जाएंगे। देखो क्या आ जाएगा, लॉग लिख करके सारे फैक्टर लिखते जाएं, लॉग एक्स माइनस वन लॉग एक्स प्लस ऑफ थ्री ऑल्सो दिस, ये क्या हो जाएगा देखो इधर लॉग एक्स माइनस टू, एक लास्ट में आप कांस्टेंट ऐड कर दे आ गया। अब इन सभी टर्म के पहले आपको कुछ कांस्टेंट रखना है, वो वैल्यू क्या होगी कैसे डिफाइन करेंगे क्या पुट करना है उसे देखेगा। इस लॉग के पहले क्या रखा जाए, आप क्या करेंगे लॉग के बाद जो फैक्टर आए उसे जीरो के इक्वल इक्वेट कीजिए, कर दिया एक्स इक्वल आपको क्या मिलेगा वन आ गया, एक्स इक्वल वन लेकर के आप मेन क्वेश्चंस में आ जाएंगे, जिसको जीरो के इक्वल इक्वेट किया है उसको हाथ से ढक लीजिए, मीन्स उसमें वैल्यू एक्स की नहीं पुट करनी है, अदर जितने प्लेस पर एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आए सभी जगह पुट कर दे। आपने पुट किया वन अपान क्या पुट किया वन, वन प्लस थ्री मीन्स क्या आ जाएगा वन प्लस थ्री फोर इंटू वन माइनस टू क्या आ गया माइनस वन, क्या रिजल्ट आया माइनस वन बाई फोर, सो टेक इन माइनस वन बाई फोर, क्लियर। इसी टाइप से अब इस सेकेंड टर्म के पहले क्या लिख देंगे लॉग एक्स प्लस थ्री के बिफोर, फिर हमने आपसे बोला है जो लॉग के बाद फैक्टर आए उसे जीरो के इक्वल इक्वेट कीजिए, कर लिया ना आपने, वेरी गुड। फिर एक्स की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस थ्री, एक्स इक्वल माइनस थ्री आ गया, इसको लेकर के फिर से मेन प्रॉब्लम में आ जाएंगे, एक्स प्लस थ्री को जीरो इक्वेट किया उसे आप ढक लेंगे, मीन्स उसमें वैल्यू नहीं रखनी है, अदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जहां भी एक्स आए क्वेश्चंस में सभी जगह क्या पुट करना है माइनस थ्री, क्यों लॉग एक्स प्लस थ्री के पहले ही तो कांस्टेंट लेना है, आ जाइएगा। आपने पुट किया वन अपान माइनस थ्री माइनस वन क्या आ गया बोलो बच्चों आप लोग माइनस फोर, माइनस थ्री माइनस टू क्या आ गया माइनस फाइव, सिंपल बना दीजिएगा क्या आ गया यहां पर फाइव फोर या ट्वेंटी माइनस माइनस प्लस मीन्स इसके पहले कांस्टेंट क्या आएगा वन पॉइंट ट्वेंटी, क्लियर हो गया। इसके बाद इस लॉग के पहले क्या रखना है कौन सा कांस्टेंट आएगा क्या होगा, मैंने फिर बोला है जो लॉग के बाद फैक्टर है उसे जीरो के इक्वल इक्वेट कीजिए, कर लिया आपने, एक्स माइनस टू इक्वल जीरो तो एक्स इक्वल क्या आ जाएगा टू, ओनली फैक्टर की बात कर रहा हूं लॉग से कोई मतलब नहीं है, एक्स माइनस टू इक्वल जीरो एक्स इक्वल क्या आ गया टू मिल गया,
तुरंत x इक्वल टू को लेकर के आप फिर से मेन क्वेश्चंस में आ जाए, जिसको जीरो को इक्वल इक्वाइट किया है, किसे इक्वाइट किया था x माइनस टू को, उसमें वैल्यू नहीं पुट करनी, मीन्स उसको फिर से हमने कवर कर दिया। अदर सभी प्लेस पर x इक्वल टू पुट की जाएगा, वन अपॉन टू माइनस वन क्या आ जाएगा, आप ओरल बोलिएगा, टू माइनस वन मीन्स क्या रह गया, वन इन टू दिस टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा, फाइव, मीन्स क्या आ गया, वन बाई फाइव, ठीक इसके पहले वन बाई फाइव पुट कर दीजिएगा। देखो बच्चों है ना बहुत आसान टेक्निक, कितने फास्ट आप इसका आंसर डिफाइन कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स इंटीग्रेशन में आ जाए आपको तुरंत उनके विद इन वन सेकेंड आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस को आप कंप्लीट रखेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसके न्यूमरेटर में अगर एक्स आ जाए तो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान इतना रहे न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से मिनिमम होनी चाहिए। न्यूमरेटर की पावर कैसी रहे, डिनोमिनेटर की पावर से मिनिमम हो, क्यों, यही तो हमारी पार्शियल डिफरेंस पार्शियल टेक्निक है, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की कंडीशन आती है ना। तो न्यूमरेटर की जो पावर एक्स की आए वो डिनोमिनेटर की मैक्सिमम एक्स की पावर से कम होनी चाहिए, तभी इस लॉजिक को हम यूज करेंगे, तभी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन से एक्चुअली ये सवाल आपके इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, बट पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा समय आपका ड्रा होता है, बहुत ज़्यादा समय जाता है, उस समय को बचाने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो इस टेक्निक के साथ शेयर किया है। आ जाए फिर से मेरे साथ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। हिंदी केस हमने लिख दिया 3x माइनस 7 अपॉन ऑफ दिस, देखें नीचे क्या हमने लिख दिया, x प्लस 3 एक्स माइनस 5 इंटू ऑफ डी एक्स, विद इन वन सेकेंड इसका इंटीग्रेशन आपको आ गया। कुछ भी मत करने, देखें बोर्ड के और क्वेश्चंस को, देख लिया और लिख दिया, क्या करना होता है, लॉग लिखिएगा, सारे फैक्टर उसके राइट साइड लिख दें, लॉग एक्स प्लस 3, अगला फैक्टर लिया, लॉग लिखा और सारे फैक्टर लिख दिए, क्या आ गया, एक्स माइनस 5, दो ही फैक्टर थे, लास्ट में क्या एक्स कॉन्स्टेंट एड कर दिया। अब क्या करना है, इस लॉग के पहले क्या कांस्टेंट आएगा उसे हमें चूज करना है। कैसे चूज करते हैं, देखो फिर से बता रहा हूं, लॉग के साथ जो भी फैक्टर आए उसे जीरो के इक्वल इक्वेट कर दीजिए, एक्स प्लस 3 इक्वल जीरो, तो एक्स इक्वल क्या मिलेगा, माइनस 3 मिलेगा ना, अले आए क्वेश्चंस के पास आ गए, जिसको जीरो के इक्वल इक्वेट किया है उसमें वैल्यू नहीं पुट करेंगे, मीन्स उसको कवर कर दिया आपने, इसे जीरो के इक्वल इक्वेट किया था, एक्स इक्वल माइनस 3 मिला, जितना भी क्वेश्चंस में एक्स आ जाए सभी जगह और पुट कर देंगे, माइनस 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3 कितना आ गया, माइनस 9, माइनस में क्या आ रहा है, 7, यहाँ डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है, क्या पुट किया, माइनस 3 इंटू माइनस 5, माइनस 3 माइनस 5 सिंपल कीजिएगा, 9 7 9 7 16 हो गया, 5 3 8 हो गया, 16/8 आ गया, 16/8 मीन्स 2 आ गया, दोनों नेगेटिव हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, फाइनली 2, जो रिजल्ट आए वही उस लॉग के पहले आप लिख देंगे। आते हैं लॉग x माइनस 5, इसके पहले क्या लिखना होगा आपको, x माइनस 5 को जीरो को इक्वल इक्वेट कीजिएगा, कर लिया आपने इक्वेट, x इक्वल क्या आ गया 5, आ जाए क्वेश्चंस के पास, जिसको जीरो को इक्वल इक्वेट किया हो उसमें वैल्यू नहीं पुट करनी है, मीन्स x माइनस 5 को मैंने कवर कर दिया, अदर सभी प्लेस पर क्या पुट करना है, x इक्वल 5, क्यों, x माइनस 5 इक्वल 0 से x इक्वल 5 आता, पुट किया, 5 3 या 15, 15 माइनस 7 कितना आ गया 8, 15 माइनस 7 कीजिएगा क्या आ जाएगा 8, यहां पर पुट कर दीजिएगा कितना 5 पुट किया आपने, 5 प्लस 3 8/8 क्या सोल्यूशन आया 1 आ गया, जो रिजल्ट आए उसके पहले लिख दिया, पॉजिटिव आ रहा तो प्लस लगा के लिखेंगे, नेगेटिव आए तो माइनस में लिखेंगे, प्लस आपसी है ना बच्चों, कमाल की ट्रिक। अगर इस टाइप का कोई इंटीग्रल की प्रॉब्लम आ जाए आप उन्हें बहुत फास्ट सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही है आपके लिए, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नई वीडियो के साथ, नई कॉन्सेप्ट के साथ, फिर से एक बहुत VIP कॉन्सेप्ट आपके साथ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।